हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है मैं 11:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे जाना है आज वैक्सीन लगवाने। मेरी वैक्सीन जो है काफ़ी लेट हो गई, काफ़ी लेट लगा रही हूँ मैं, और जो कि मुझे पहली डोज लग रही है अभी, और कुछ रीज़न थे उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो वगैरह हमने सब कर लिया है और जो साफ़ सफाई होती है मॉर्निंग की वो सब हो गई है, और आके बस दाल में तड़का लगाना है, चावल बनाना है, बस इतना ही काम है दिन में फिर। और अभी मैं वैक्सीन लगा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और हम अभी रेडी हो गए हैं जाने के लिए और वैक्सीन लगानी है आज। तो मैंने आज पहना है ये कुर्ता, और ये कुर्ता पहना मैंने। अवनी भी रेडी हो गई है, अवनी यहाँ पे खेल ली है, और उसके बाद हम वैक्सीन लगा के आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। और मैंने सुना है कि उसमें फीवर भी होता है, थोड़ा पेन होता है, बट कोई नहीं, चलता है। वैक्सीनेशन में इतना तो होता ही है, बच्चों को भी जब वैक्सीन लगती है उनको भी थोड़ा पेन तो होता ही है, थोड़ा फीवर भी आता है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आप कम बने रहिएगा। वैक्सीन लगाने के लिए अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर होना जरूरी है, तो वो मैंने निकाल लिया है। और अब हम निकलते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर पकड़ते हैं और फिर हम निकलते हैं और देखते हैं कहाँ पे जाना है हमें। अभी मुझे पता नहीं कहाँ पे जाना है, हस्बैंड को पता है तो उनके साथ हम जा रहे हैं, और हस्बैंड की आज भी है नाइट शिफ्ट, तो अभी वैक्सीन लगाने जाएंगे हम। उसके बाद लंच करेंगे और थोड़ी देर वो रेस्ट करेंगे, और शाम को परेड है, फिर उनको परेड प्रैक्टिस में जाना है। उसके बाद फिर आके फिर वो डिनर करेंगे, उसके बाद फिर वो ड्यूटी जाएंगे, नाइट ड्यूटी, उसके बाद वो मॉर्निंग में आएंगे। तो ये उनका रूटीन है आज का। तो चलिए अब हम होके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और यही ना स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसके आगे कैंप लगा हुआ था वैक्सीनेशन का। और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अभी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। और देखिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, अभी सर्वर डाउन है ना, तो इसीलिए सब बैठे हुए हैं, वरना जल्दी हो जा रहा था सबका। और अब मैं आ गई हूँ वैक्सीन लगवा के, और हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी देर रुक जाते हैं यहाँ पे, अभी वैक्सीन लगी है तो थोड़ा 15-20 मिनट रुक के फिर जाते हैं घर, तो इसलिए हम वहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, इसके बाद हम निकल लेंगे घर को। और हस्बैंड को तो पहले ही वैक्सीन लग गई थी, और तो इसलिए उनकी तो दोनों डोज कंप्लीट हो गई हैं, पहले ही कंप्लीट हो गई थी उनकी। और अब हम निकलते हैं घर को, और अब हम घर आ गए हैं, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए अपने। वैसे वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बट थोड़ा सर्वर डाउन था ना उसके, उससे थोड़ा देर हमें वेट करना पड़ा जब तक उनका सर्वर चला नहीं तब तक। और जैसे सर्वर चला 5 मिनट में वैक्सीन, मतलब रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगा के फिर मैं आ गई थी। और उसके बाद फिर हम घर आ गए हैं, और अब बनाना है मुझे अपना लंच, लंच बना के फिर आपसे मिलते हैं। लंच हो गया है, और जो किचन क्लीनिंग थी वो भी मैंने कर ली है सारी। और जो मेरा हाथ है ना यहाँ पे जो वैक्सीन लगी है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है अभी, और आई थिंक बुखार भी आएगा या नहीं आएगा वो तो देखते हैं, रात की बात है वो तो। अभी तो फिलहाल फीवर तो मुझे नहीं फील हो रहा, बट यहाँ पे पेन हो रहा है काम करने में हाथ में। तो दिन का ये सारा काम करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, 1-1.5 घंटे का। तो इस 1.5 घंटे में मैं, मेरे को पढ़ना होता तो मैं पढ़ती हूँ, और या मेरे को कुछ फ़ोन का काम होता है, जैसे वीडियो का कुछ काम रहता है तो वो काम मैं करती हूँ। तो मैं पहले पढ़ाई करूँगी, उसके बाद में और काम करूँगी। तो चलिए अब मैं थोड़ा पढ़ाई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ शाम को, और फिर मैं शाम को आपको बताऊँगी कि मेरी तबीयत कैसी है वैक्सीन लगाने के बाद। और उसके बाद मैं आपको नाइट तक का अपडेट दूँगी आज की कैसी तबीयत रहती है। और अभी तो यहाँ पे पेन है थोड़ा, फीवर तो अभी आया नहीं, और मेडिसिन है मेरे पास फीवर की, तो वो मेडिसिन मैं खा लूँगी अगर फीवर आ गया मुझे तो। अब मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 5 बज गए हैं, और हस्बैंड जो है वो 4:30 में निकल गए थे घर से, और उनकी परेड है अभी 2-4 दिन के बाद, तो उसके बीच में अभी प्रैक्टिस होगी डेली, तो उसी प्रैक्टिस में वो परेड की एक टीम रहती है, उसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं, उसमें मेरे हस्बैंड का नेम भी है। तो अभी कुछ दिन उनकी प्रैक्टिस होगी, फिर फाइनल जिस दिन परेड होगी उस दिन लोग परेड करेंगे। अभी उसी में हस्बैंड गए हुए हैं, और अभी मैं अपनी को लेकर थोड़ी देर जाऊंगी बालकनी में, क्योंकि बालकनी में अभी थोड़ी हवा चलती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा खुली हवा मिल जाएगी, नहीं तो हम अंदर ही अंदर बोर हो जाते हैं ना यहाँ, तो इसलिए थोड़ी देर हम बालकनी में बैठेंगे। कुछ कपड़े मेरे बाहर में हैं और वो सूख गए हैं, उनको अब मैं अंदर लेके आती हूँ, उनको फोल्ड करके फिर मैं रख देती हूँ अलमीरा में, और उसके बाद
फिर मुझे डिनर बनाना है। चलिए अब मैं थोड़ा काम करती हूँ। और अभी 6 बज गए हैं और मुझे बनाना है डिनर। और हस्बैंड अभी परेड प्रैक्टिस से आ गए हैं, वो अभी पानी लेने गए हैं और जो किचन के हमारी सब्जियां रहती है कुछ सब्जियां लेने वो गए हैं। और उसके बाद मैं बनाती हूँ डिनर और उसके बाद फ्री होके मैं आपको बताती हूँ। अभी ना हाथ में थोड़ा पेन है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का पेन है और फीवर तो अभी फील नहीं हो रहा है। और अब मैं डिनर बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हो रहा है 8:30 हो रहा है और 8:05 में लगभग हस्बैंड जो है वो ड्यूटी के लिए निकल गए थे डिनर करके। और उसके बाद जो है मैंने हमारे लिए रोटियां बना ली है और अब रोटियां बन गई हैं तो अब हम दोनों भी डिनर कर लेते हैं। और डिनर करने के बाद आपसे बात करनी है कुछ, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और अभी हेल्थ अपडेट ये है कि फीवर तो अभी मुझे फील नहीं हो रहा है बट थोड़ा पेन है अभी हाथ में। और अवनी अभी वहाँ पर बैठी है, वो हॉल में बैठी है और वो अभी हॉल में बैठ के खेल रही है और मैं यहाँ पे बेडरूम में, और हमारा बेडरूम ना ऐसे आमने सामने है हॉल के, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ जैसे बेडरूम में तो मुझे हॉल का सारा दिखता है वहाँ पे क्या कर रही है वो, क्या खेल लिए करके, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ और वो खेल लिए हॉल में। और अब हम करते हैं डिनर, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा डिनर भी हो गया है और जितना भी अंदर का जो काम रहता है, क्लीनिंग हो गया, बर्तन धोना, वो सारा मैंने कर लिया है। और आज मुझे डालना अपने प्लांट्स में पानी, जो बालकनी में मैंने प्लांट्स लगाए हैं उनमें पानी डालना है। और तो वो पानी मुझे नाइट में डालना पड़ता है क्योंकि जो नीचे है ना, तो दो फैमिली नीचे रहती है, एक मैं थर्ड फ्लोर में हूँ तो सेकंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में दो फैमिलियाँ रहती हैं तो उनके कपड़े दिन भर बाहर रहते हैं, तो इसीलिए मैं दिन में पानी नहीं डालती क्योंकि वो पानी डालती हूँ तो वो पानी नीचे जाता है तो उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं नाइट में पानी डालती हूँ। और अब मैं पौधों में पानी डालती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, बस इतना पानी डालती हूँ कि जो पॉट की जो मिट्टी है ना वो भीग जाए बस, और मतलब ओवर वाटर नहीं डालती उसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालती। और आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं कुछ टाइम बाद में जो मेरी बालकनी की वीडियो है वो ज़रूर लेके आऊँगी। और जो मेरी बालकनी है ना वो एकदम जीरो कॉस्ट बालकनी है, इसमें मेरे एक भी रुपये नहीं लगे हैं, ये सारी जीरो कॉस्ट बालकनी है और ये काफ़ी सुंदर लगती है, अगर आप देखोगे ना आपको भी पसंद आएगी। इसीलिए आप जैसे मेरा सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे ही आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको पूरा अपना जो बालकनी टूर है वो दूंगी और सारी वीडियोज ऐसे आते रहेंगे, आप बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर, जितनी वीडियोज आप देखते हो उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोज आपके लिए, देखिए मेरी बालकनी थोड़ी दिखेगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको मैं, और इसका जो टूर आएगा उसमें आपको दिखेगा पूरा। तो चलिए अब मैं पानी डालती हूँ पौधों में, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने जो मेरे प्लांट थे उनको पानी दे दिया है, लगाई थी ना वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है, पहले कम हो रहा था अभी ज़्यादा पेन हो रहा है और थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है और थोड़ा सा मुझे फीवर भी आ गया। और अब मैं मेडिसिन खाती हूँ और अब मैं कल तबीयत कैसी रहती है मेरी, अगर फीवर रहेगा और पेन रहेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कल रेस्ट लूंगी, और अगर सही रही तबीयत तो फिर मैं कल साफ सफाई स्टार्ट कर दूंगी कल से, क्योंकि अब दीपावली बहुत जल्दी आने वाली है तो इसीलिए काम भी काफ़ी है, तो इसीलिए मुझे सारा काम करना है, क्योंकि पहले घर की सफाई करनी है, उसके बाद बालकनी हमारी, इस बालकनी को पूरा मैं वॉश कर लूँगी क्योंकि इसमें रोड है ना वहाँ पे तो धूल वूल आती रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे पूरी सफाई करनी पड़ेगी, उसको वॉश करना पड़ेगा पूरा। थोड़ी टायर्डनेस भी हो रही है तो इसलिए मैं आज सो जाती हूँ टाइम से, और अवनी को भी सुलाना है, इसको सुलाती हूँ फिर मैं सोती हूँ।
और उसके बाद आपसे मिलती हूँ कल। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।